अस्सलाम वालेकुम, एफएस इंटरव्यूज़ का साथ मैं हूँ फैसल अंसारी। चैनल को ऊपर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। एक पंजाबी के अंदर कहावत है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि जिन्ना कार दाने उन्हें कमले से आने, जिन्ना कार दाने ने उन्होंने कमले भी से आने ने। कोई चोरी आ जाए ना किसी कार, आओ जी चोरी साहब इधर आओ, अकल उकल नाम ही ना हो, उन्हें चोरी साहब तो गुस्से ना सानू चंगा बंदा बोल देंदा है, चोर साहब तुम इतने बहो, चोर साहब दौर तुहाडे वास्ते चिट्टी बिछाई है, आओ जनाब तुम इतने बहो, दूसरे भाड़ में जाए, छोड़े उनको। यहाँ से आज हम अपनी बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत हर्ट वीडियो है, तो कोशिश कीजिएगा कि एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर एक मैसेज है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि हाल ही के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर अब जीनत बनी हुई है। एक वीडियो, एक खातून है, एक औरत है जो एक साहबजादी है, एक शहजादी भी है और अपने मामा की परी भी है, जान भी, अपने भाइयों की भी शहजादी है वो। उसने कौन सा काम सर अंजाम दिया? आप हैरान होंगे कि इसी तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर भरे पड़े हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो कि आप बखूबी जानते हैं कि उन केसेस का इख्तिताम क्या हुआ, केसेस के ऊपर काम किया गया, जो लोग हैं, अदारे हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया और रिज़ल्ट क्या निकला वो आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। और सबका अगर कुछ साल की बात करें तो एक जज साहब की जो बीवी है उसने एक जो घरेलू लड़की के ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया, क्या उस केस का क्या बना? कसूर के अंदर ज़्यादतियों के केस हैं, इसी तरह के रिलेटेड बहुत सारे केस पाकिस्तान के अंदर रोनमा होते रहते हैं। उससे क्या हमें सीखने को मिलता है, यह क्या किस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हम बात करते हैं? जो शहजादी है, अमीरजादी जो लड़की है, उसने नशा किया हुआ है और नशे की हालत में वो गाड़ी पर सवार थी और अपनी गाड़ी के नीचे कई लोग दे दिए। जो हमारे पास जो पेशन गोई है, जो हमारे पास जो इतलात आई हैं, वो ये है कि तकरीबन सब लोगों की डेथ हो चुकी है, फौत हो चुके हैं। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तमाम के तमाम जो मर्द हजरात थे उनके ऊपर कितनी तवक्कात थी, उनके बच्चों की, उनकी, उसकी माँ की, उसकी बहनों की, उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस साहबजादी ने कौन सा काम सर अंजाम दिया है। अब होगा क्या, अब उसको जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया आपके सामने है, उसको जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, अवाम को उसके पास आने नहीं दिया गया, तो आप बेहतर जानते हैं कि अब उस केस का क्या बनेगा। सोशल मीडिया के ऊपर अगर ये मसला ज़्यादातर चलता रहा, आपके सामने आता रहा, तो इसके ऊपर एक्शन होगा, वरना ये केस भी ठप हो जाएगा। ठीक है जी, लैदे के गल ख़त्म करने हैं, छोड़ो जी चोर साहब, तुसी छोड़ो जी चोर साहब, लैदे के गल ख़त्म करने, छोड़ो जी तुसी किहड़े काम नूं पाइए, किहड़ियां तुसी गल्लां कर, छोड़ो जी, चलो हो गया जो कुछ होना है, अल्लाह दी रज़ा सी, फौत हो गया ने, चलो जी ठीक है जी, चलो बच्चे अगला तो गड्डी ते आना चलाइए। इस तरह चीज़ों नूं हैंडल किया जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए है कि ठीक है फैमिली के साथ आप जाएं और कोशिश किया करें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, परहेज़ करना चाहिए। सड़क जब आप क्रॉस करने लगे या सड़क के किनारे आप खड़े हों, तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ फुट पीछे खड़े रहें, तो कुछ ये देखें ना अब क्या होगा। जो घरों के जो चिराग थे वो तो बुझ गए हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी तवक्कात थी, भाइयों को, बहनों को, माँ को, एक बाप को, एक ख़ानदान को, अब क्या उनके हक़ में क्या फैसला होगा, अब क्या डिसाइड होगा, क्या आप करेंगे, ये अब आने वाले जो दिन हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अब देखते हैं कि केसेस लग चुके हैं या केस बन चुका है, अब होने क्या जाएगा जा रहा है, जिस तरह के पाकिस्तान तरीक़ के अंदर भी आप बेहतर जानते हैं। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमानुल्लाह।